हेलो एवरीवन, वेलकम टू यथार्थ आईएएस। ओके, सो इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस्ड दिस सर्टेन लेक्चर्स अर्लियर, और इसी में हमारा जो फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिगार्डिंग है इसका मीनिंग क्या होता है। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट, जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म, ड्यू टू विच इट एग्जर्ट द फोर्स ऑन द सर्टेन थिंग्स। मैग्नेटिज्म आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक वाइज वी हैव स्टडीड इन द चार्जेस के जो केस के अंदर आपका जो फोर्स था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेज जो पास में लाए जा रहे हैं। सेम थिंग जो है, मैग्नेटिज्म इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेट्स व्हेन दे आर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, वो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल होती है, वो आपके प्रत्येक मैग्नेट के साथ में रिलेटेड उसकी मैग्नेटिज्म होती है। एंड जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हम फील करते हैं जैसे ही हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला दूसरा कोई जो है सब्सटेंस लेकर के हम जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये सब्सटेंस यहाँ पे एक पर्टिकुलर फोर्स को फील करेगा, आइदर अट्रैक्टिव इन नेचर, और यदि अट्रैक्टिव होगा तो ये सब्सटेंस अपने आप खींचता चला जाएगा इसकी ओर, और यदि रिपल्सिव फोर्स इस सब्सटेंस पे लगेगा तो सब्सटेंस को जैसे ही पास में लेकर के जाएंगे हम, तो ये वापस से बाउंस बैक करेगा यदि ये रिपल्सिव है। सो आपका जो मैग्नेटिज्म होता है ये भी क्या होता है, वो फोर्स होता है जो कि हम फील करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट। फॉर एग्जांपल दिस इज ए मैग्नेट, और इसके अराउंड का वो एरिया जिसके अंदर इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, इसके इस मैग्नेट के होने को फील किया जाता है इसकी प्रॉपर्टी से, वो एरिया टोटल क्या कहलाता है इसके आसपास का, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है इस पर्टिकुलर मैग्नेट का। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि मैग्नेटिज्म होता क्या है एंड मैग्नेटिज्म का इफेक्ट क्या होता है, ये चीज हमने थोड़ा सा शुरुआती इंट्रोडक्शन में पढ़ा। अब आगे हम जो है डिटेल में इसको प्रोसीड करते हुए चलेंगे। सो देखिए, अर्थ अपने आप में जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये हमने देखा है, सुना है, लेकिन कैसे क्या बिहेव करती है, कैसे इसमें क्या होता है, इस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले सम ऑफ द कॉमनली नॉन आइडियाज और द सर्टेन फैक्ट्स रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म है, जिन पे छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हमने पढ़ा हुआ तो इतना ज़्यादा होता है, इतना डेप्थ में, लेकिन पूछ ली जाती बिल्कुल छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कॉमन आइडिया, सो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हीं बेसिक आइडिया पे बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग, अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या होता है, ज्योग्राफिक साउथ से लेकर के किसकी डायरेक्शन के अंदर होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या हो गया कि द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, या फिर नन, या फिर क्या हो जाएगा, इन ऑल द डायरेक्शंस ओमनी डायरेक्ट डायरेक्शनल, इस टाइप से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो बाकी दो ऑप्शन तो चलो सभी दिमाग में ऐसे कर लेते हैं कि कैंसिल आउट कर लेते हैं, पर नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ वाला जो है, ये आपको एक यहाँ पे क्लियरली याद रखना होगा कि ज्योग्राफिकल साउथ से लेकर के नॉर्थ होती है, यानी कि आपका ज्योग्राफिकल साउथ ये है, नॉर्थ ये है, सो जो हम देखेंगे अंडर तो वो आपका क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है। दैट्स वाई द कैंपस हो जाता है, आपका जो कैंपस होता है डायरेक्शन बताने वाला कैंपस, उसकी सुई हमेशा किस डायरेक्शन में दिखाती है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर दिखाती है, इसी टाइप से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जो है ये आपका जो कैंपस है ये इस टाइप से नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बिकॉज जो अर्थ का नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन की ओर हमें दिखाई देता। बाद में हम उसको डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
A bar magnet is freely suspended. It will point in the north-south direction. आप कोई भी मान लीजिए मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैंने हाथ में पकड़ करके तो फोर्सफुली हो सकता है कि मैंने इसको ईस्ट टू वेस्ट मूव करवा रखा हो. ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल. बट एज सून एज आई विल सस्पेंड दिस बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मतलब एक मैग्नेट का बार हो गया कोई भी इस टाइप से, ये बार मैग्नेट इसको हम बोलेंगे. जैसे ही इसको मैं सस्पेंड करूंगी, मतलब किसी मान लीजिए फ्रीली छोड़ दूंगी, धागे से बांध करके इसको मैंने फ्रीली छोड़ा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन है उसके अंदर अपने आप को अलाइन कर लेगा. नॉर्थ से साउथ की जो डायरेक्शन है उसी में ये पॉइंट आउट करेगा आपका बार मैग्नेट. तो ये एक अनदर जो है कॉमनली नोन आइडिया जो आपको पता होना चाहिए. वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूनिक फीचर होता है मैग्नेट्स का. क्या कि मान लीजिए आपने ये मैग्नेट ली हुई है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ है. पहली बात तो हर एक मैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है. दैट मीन्स एक जो है आपका एंड है एक तरीके से बिहेव करेगा, दूसरा एंड दूसरे तरीके से बिहेव करेगा. अब आप इस बार मैग्नेट के अंदर यदि ये चाहो कि आप ये नॉर्थ वाला पॉइंट इसको कट कर दिया, आपने ये वाला एंड कट कर दिया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपका साउथ की प्रॉपर्टी वाला मैग्नेट का हिस्सा बच जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है. कोई भी बार मैग्नेट को आप जैसे ही जितने टुकड़ों में डिवाइड करते जाएंगे, प्रत्येक टुकड़े में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका, ये साउथ वाला साउथ और ये हिस्सा जो यहाँ से है अब ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ की तरह बिहेव करेगा. अगेन यदि इसको और कट किया, मैंने नॉर्थ हिस्से को निकाल दिया तो ये इतना बच गया, तो अब ये नॉर्थ ये साउथ. फर्दर यदि इसको इतना भी मैं यदि कर लूँ तो ये नॉर्थ एंड ये साउथ. कहने का मतलब होता है कि एक बार मैग्नेट के अंदर कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, कट करके अलग अलग नहीं किया जा सकता. एज सून एज यू कट द बार मैग्नेट जो है ऑटोमेटिकली आपका जो रिमेनिंग पीस होता है वो बिहेव करने लग जाता है, उसका एक एंड नॉर्थ की तरह दूसरा एंड साउथ की तरह. तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रॉपर्टी है किसका, बार मैग्नेट का. और नॉर्मली वी कैन सी दैट द एनी मैग्नेट, बिकॉज एवरी मैग्नेट विल बिहेव इन द सिमिलर वे एज ए बार मैग्नेट. बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर इस शेप में हो जाता है, बार लाइक हो जाता है, मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है, तो उसको कहते हैं. इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेट्स जो होती हैं ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली अक्रिंग ही होती हैं. प्रकृति के अंदर हमें अपने आप ही कोई मैग्नेट मिली हुई बनी हुई मिलेगी तो ही हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. नहीं, हम खुद से भी क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेज एंड सर्टेन मैकेनिज्म वी कैन क्रिएट द मैग्नेट. हम इवन जो एक लोहे की रोड होती है, उस लोहे की रोड जो कि एक मेटल है आयरन, और उस मेटल आयरन की एक रोड है, वो नॉर्मल रोड को हम यूज कर सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे, यूज कर सकते हैं हम किसी भी फर्नीचर के अंदर किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने में. एंड दैट पर्टिकुलर सेम आयरन रोड कैन बी मेड ए मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको कहते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे. तो कहने का मतलब होगा इट इज पॉसिबल टू मेक द मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलोएज. जो लोहा है और लोहे के एलोए हैं, यानी कि लोहे के अंदर कार्बन आपने मिक्स कर दिया, लोहे के अन्य जो एलोए हैं उन सब को आपने आयरन के जो एलोएज हैं उनको, और पर्टिकुलरली आयरन इट्सेल्फ, इससे हम क्या कर सकते हैं आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को तैयार कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्रिएट कर सकते हैं. आप सभी लोगों ने जो है बचपन में एक काम किया होगा, एक कहीं से आपने मैग्नेट आपके हाथ लग गया, कि ज़्यादातर क्या होता था पुराने रेडियो या जो एक रिकॉर्डर आता था टेप रिकॉर्डर, उसका जो स्पीकर होता था उसके पीछे मैग्नेट होता था, वो स्पीकर का मैग्नेट होता था. तो क्या करते थे, उस मैग्नेट को निकाल करके और मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे घुमाते थे, तो उसके साथ में इतनी सारी जो है चीज़ें एक बच्चे के लिए वो क्या होता है कंप्लीट खजाना होता है, ऐसे निकल के आती थी. तो वो हम प्रैक्टिकल कर रहे होते थे, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है किसकी, मैग्नेट की. तो
तो वही चीज है यहाँ पे, हम जो है आयरन और आयरन के जो एलॉयज हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट के अलावा। सो दीज आर दी सर्टेन कॉमनली नोन आइडियाज जो कि हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो किससे क्रिएट किया जा सकता है, निकल से, आयरन से, मैग्नीज से, जिंक से। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयरन, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो है, क्या हम नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट कर सकते हैं, इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में डाला जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कि आइसोलेट नहीं कर सकते। एंड इट कुड बी यूज्ड एज ए पॉइंट इन द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट इन मेंस एग्जामिनेशन, मेंस का जो आपका एग्जाम है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको एक पॉइंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि हम उसके नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम जो है प्रोसीड करते हैं हमारा दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि हमने शुरुआत के अंदर स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फील्ड या एरिया होता है आपका जहाँ पे हम मैग्नेटिज्म को फील करते हैं। मैग्नेटिज्म को फील करते हैं का मतलब मैग्नेटिज्म जो है एक अपना फोर्स होता है वो हम एक मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होता है उसको फील करता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो इसका मैं ये कह सकती हूँ कि ये मान लीजिए ये इसका पूरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिज्म को स्प्रेड करने के लिए मैग्नेट से निकलती हैं इमेजिनरी हम लाइंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस टाइप से इस मैग्नेट का जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म स्प्रेड हुआ है, तो वो ये ऐसी कुछ लाइंस होंगी। अगेन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस जो कि हमने हमारे दिमाग से इस टाइप से कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम वे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे ही क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने आप को वहाँ का फील करवाती है, प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेट। अब प्रॉपर्टीज इसकी हम स्टडी कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्लोज्ड लूप के अंदर होती हैं, बिकॉज एज वी हैव स्टडीड Every magnet will have always north and south pole. हमेशा क्या होगा, north and south, ये दोनों pair में ही exist करेंगे, singular नहीं होंगे। Just like the charges, charges में एक positive charge यहाँ पे exist कर सकता है अकेला, एक negative charge भी exist कर सकता है अकेला। Positive charge से हमेशा outward होती हैं electric field of lines और negative charge के inward होती हैं electric field of line। और यदि ये दोनों एज ए पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तब उस केस के अंदर क्लोज्ड लूप बनता है, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी नहीं है क्लोज्ड लूप क्योंकि इंडिविजुअल चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ मैग्नेट इंडिविजुअल पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा पेयर के अंदर साउथ और नॉर्थ पोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई तो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो एक क्या करती हैं, क्लोज लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करती हैं। ये भी आपको दिख नहीं रही है क्योंकि स्पेस कम है, अदरवाइज ये कहीं पे इस टाइप से ही होंगी, इस टाइप से ही होता है, ये क्लोज लूप स्ट्रक्चर होती है। तो वन बाय वन इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स का, मेंस में क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो देखिए, दे आर इमेजिनरी लाइन्स विच डिपिक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दो चीजें बताती हैं, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, यही चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर भी देखी थी। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए ये एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइंस हैं वो आपकी इतनी है और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस जो हैं वो इस टाइप से है, तो यहाँ पे ये फील्ड वन एंड ये फील्ड टू, फील्ड वन और फील्ड टू के अंदर एक जो बेसिक डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जो आपका फील्ड वन है ये वीकर होगा, यानी कि यहाँ पे
जो मैग्नेटिज्म का जो फोर्स है वो हमें कम फील होगा इन कंपैरिजन टू द फील्ड टू. फील्ड टू के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी नियरर हैं, क्लोजर हैं एंड ज़्यादा संख्या में हैं, मोर नंबर्स जो हैं इसके प्रेजेंट हैं. दैट्स वाई ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म यहाँ पे हम फील करेंगे. तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दी स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि मैग्नेटिज्म कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील किया जा रहा है या मैग्नेटिज्म को कहाँ पे कम फील किया जा रहा है. ये बेसिक आइडिया था स्ट्रेंथ का. एंड दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द फील्ड लाइन्स इन ए पर्टिकुलर फील्ड एरिया जो आप कंसिडर करके चल रहे हैं, उसमें कितनी संख्या में फील्ड लाइन्स जो है वहाँ से होकर के गुजर रही हैं. और ये नंबर ऑफ द फील्ड लाइन्स होती हैं अगेन ये किस पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे मैग्नेट बनाया गया है उस पे डिपेंड करती है. वो सब चीज़ें अगेन हम आगे प्रोसीड करते हुए पढ़ेंगे. डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है फील्ड लाइन की, हमेशा क्या होता है, आप जहाँ पर भी ऐसे फील्ड लाइन पे कोई भी टेंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर है. नॉर्थ टू साउथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हमारा हो जाता है. प्रॉपर्टीज और कौन सी हैं आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेट का फॉर्म द कंटिन्यूस क्लोज लूप्स. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपका कंटिन्यूस जो क्लोज लूप्स हैं वो बनाती हैं, तो वो बात कर चुके हैं हम. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और हमेशा पेयर में करेंगे तो हमेशा क्या होगी, एक लूप बनेगा. एंड लूप की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि आउट ऑफ द मैग्नेट. ये आपका जो है मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बाहर जो है डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की ओर, और मैग्नेट के अंदर की डायरेक्शन जो होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ. ये आपको याद रखना है, हमेशा जो क्लोज लूप होगा आइदर इन डायरेक्शन, तो हमेशा क्या होता है आउटवर्ड के अंदर नॉर्थ टू साउथ होती है, एंड इनवर्ड में आपकी क्या होती है साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है. और एक ये हमेशा क्या बनाती है, अपना क्लोज लूप इस टाइप से बनाती है. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है डिपेंड करता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है. यही हमने अभी अभी जो है स्टडी किया था, ये वाली चीज. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर मोर इन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मोर विल बी द फील्ड टू, ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा. लेस नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस, वीकर विल बी द फील्ड. यही हमने अभी स्टडी किया था. नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है नेचुरली ये एक दूसरे से. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई इंटरसेक्शन इनके बीच में होता नहीं है. एंड इवन दो इफ कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो इस वजह से नहीं होगा, सिंगल मैग्नेट की वजह से. मान लीजिए कि यहाँ पे एक और जो है मैग्नेट है, इसकी वजह से क्या होगा, इस मैग्नेट का भी फील्ड ऐसे क्रिएट हो रहा होगा. अब इस पॉइंट पे इस मैग्नेट वन और मैग्नेट टू की जो फील्ड लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे इस टाइप से. इन पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फील्ड्स हैं वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इंटरसेक्शन जहाँ पे जिस पॉइंट पे होता है, और मान लीजिए कि मैग्नेट वन का जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिज्म का, वो मैग्नेट टू के बराबर है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं किया जाएगा. वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट करने की वजह से क्रॉस कर देंगे. और यदि सेम यदि है, इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी यूनिक. और यदि मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट वन का वो लेस है देन मैग्नेट टू, तो यहाँ पे क्या होगा,
कि इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन जीरो तो नहीं है, बट ऑन द सेम टाइम जीरो नहीं होने के बावजूद यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की आप डायरेक्शन नहीं निकाल सकते कि इस डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ में है, साउथ में है, किस डायरेक्शन के अंदर है, ये आप नहीं निकाल सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो आपको इस प्रॉपर्टी में क्या दिमाग में रखना है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इवन दो दे इंटरसेक्ट ड्यू टू दिस कंडीशन ऑफ द मैग्नेट्स। तो उस केस के अंदर यदि मैग्नेट्स सेम मैग्नीट्यूड की हैं तो जीरो हो जाएगा नेट, कोई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यदि एक स्ट्रॉन्गर है एक वीकर है तो उस कंडीशन के अंदर एक दूसरे को जहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही वहाँ पे हम जो है कंक्लूसिव डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बता सकते। अब आता है आपका गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ के बारे में हम बात करते हैं तो गॉस लॉ जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा होता है उसी टाइप से जो है आपका गॉस लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। गॉस लॉ हमें बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, कोई भी क्लोज जो एरिया होता है उसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, और कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आउटवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोज सरफेस एरिया वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गॉस लॉ को। तो दोनों को ही एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन में याद रहे। ये आपका जो गॉस लॉ है ये है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये गॉस लॉ जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। देखिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या कहता है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऑल्दो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। मैग्नेटिक, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगी, पहले हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ क्या कहता है। देखिए अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द टोटल फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया, दिस इज द क्लोज सरफेस एरिया जिसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है, इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कि इस क्लोज्ड में मान लीजिए कि ये एक बॉल है, एक स्फीयर है, फुटबॉल होता है वैसे, फुटबॉल के अंदर कितनी एयर है तो एयर को आप रिप्लेस कर दिए चार्जेज से, तो फुटबॉल के अंदर कितने चार्जेज भरे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस सरफेस से फुटबॉल के बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की संख्या। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है एविडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस जो कि डिपेंड करती हैं चार्ज एनक्लोज्ड बाय, एनक्लोज्ड का मतलब होता है इसके अंदर जो आपका चार्ज प्रेजेंट है, ये आपका एनक्लोज्ड चार्ज हो गया, ये एक यूनिट चार्ज ले लिया, मान लीजिए ऐसे अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है तो इस एनक्लोज्ड बाय दिस पर्टिकुलर सरफेस से जितना चार्ज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा इससे आने वाली, बाहर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफलाइन। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है जिसको हम इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत साधारण सी चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, अंदर जो भी है तो उसकी संख्या किस पर डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, उसके नंबर्स डिपेंड करते हैं कि कितने चार्जेज वहाँ पे प्रेजेंट हैं। एंड इसको मैथमेटिकल, तो यदि इसको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को जो हमने क्या कहा है फ्लक्स कहा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होता है क्यू एनक्लोज्ड, क्यू इज द टोटल चार्ज जो कि एनक्लोज्ड है इसके अंदर। सो इट इज एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग phi is equals to, ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ये पर्टिकुलर साइन होता है, ये कॉन्टूर यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करने का साइन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल समेशन, कितना निकल रहा है, टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल फ्लक्स इज द चार्ज एनक्लोज्ड की क्या होता है प्रोपोर्शनल, और इसको इसको इस टाइप से लिख सकते हैं E dot ds इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया ds हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉस लॉ। आपको जो बात है थ्योरेटिकली वो मैंने समझा दी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यही एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं और इसके अंदर आपकी क्या है मैग्नेट प्रेजेंट है,
अब यही सेम चीज लगाइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स, आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस, कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस विल बी जीरो, बाहर नहीं आएंगी फ्रॉम इन द मैग्नेटिज्म. कारण, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि आपका इसमें क्या होता है, हमेशा एक क्लोज लूप की फॉर्म में खुद ही क्या हो जाता है, कंप्लीट फॉर्म के अंदर एक पेयर में ही एग्जिस्ट करता है. तो ये अपने आप में सफिशियंटली क्या कर लेता है, और ये जो आपके क्लोज सरफेस है इससे बाहर नहीं आएगा. और इसमें तो क्या है, यदि मैंने सारे पॉजिटिव चार्जेस रख दिए तो सारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, अनटिल अनलेस यहाँ पे यदि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रखा जाता तो यहाँ पे अंदर की साइड क्लोज लूप बन सकता था. लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होगा, आपका एक बार मैग्नेट पेयर में प्रेजेंट होगा, क्लोज लूप लाइंस इनसाइड द सरफेस ही कंप्लीट हो जाएंगी अपना लूप बना करके, और आउटसाइड जो फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस का, आउटसाइड फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये आपका क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है गोसलो का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डॉट डाइवर्जेंस ऑफ डॉट बी इज जीरो, यानी कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इन द मैग्नेटिज्म इज जीरो. मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है, जीरो. ये इम्पोर्टेंट है आपका गोसलो, दो नंबर में मेंस में आ सकता है, और प्रीलिम्स के अंदर जो है आपका इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है फॉर्मूला की फॉर्म में, ये पूछा जा सकता है, ये दे करके इसका मीनिंग पूछा जा सकता है एज ए ऑप्शन. तो दोनों ही तरीके से आपको क्या है, इम्पोर्टेंट है आपका गोसलो, ये आपका समझ में आना चाहिए. सो आर नेक्स्ट लेक्चर पॉइंट इज द अर्थ मैग्नेट, कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में हम स्टडी करें कि अर्थ जो है अपने आप में किस टाइप से, जैसे कि मैंने शुरुआत के अंदर बताया था कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से बिहेव करता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो देखिए, अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर पाती है ड्यू टू द कन्वेक्शन फ्लो ऑफ आयरन एंड निकल प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द अर्थ. अर्थ के कोर में जो है आपका ये हमारी, अगर हम स्ट्रक्चर को इस टाइप से देखें अर्थ, तो अर्थ के कोर में प्रेजेंट होता है आपका आयरन एंड निकल, और ये मोल्टन स्टेट में होता है, एंड दे मूव इन दिस पर्टिकुलर साइकिल्स. ये इस तरीके से क्या करते हैं, साइकिल में मूव करते हैं, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट, कन्वेक्शन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, क्या होता है आपका मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है. बिकॉज आपको दो चीजें समझ में आना चाहिए कि मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज, एक मूव करता है तब क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी. यदि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वेरिएशन किया जाता है, यानी कि वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि किया जाता है, तो इससे क्या होता है आपका, जनरेट होता है मैग्नेटिज्म. एंड सिमिलरली यदि मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, या फिर हम आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस होती है. ये दोनों आपस में म्यूचुअल प्रोसेस हैं, वाइस वर्सा हम इसको कह सकते हैं. एंड यहाँ पे अर्थ में क्या होता है, अर्थ के अंदर जो आउटर और कोर है उसके अंदर मोल्टन स्टेट में आयरन एंड निकल होता है. एंड वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि आयरन एंड इट्स एलॉयज दे कैन बी मेड इनटू द मैग्नेट थ्रू द सर्टेन प्रोसेसेस. तो आयरन जब इस टाइप से मूव करता है, कन्वेक्शन फ्लो करता है, तो उसी वजह से क्या होता है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. उसी को ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको हम वन बाय वन करेंगे. तो देखिए,
अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर सबसे पहली बात कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ होता है वो हमारे ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होता है। ये चीज आपको समझनी है, याद करनी है। अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ का मतलब होता है जो सरफेस के अंदर हम नॉर्थ एंड साउथ देखते हैं उसकी बात कर रही हूं मैं। तो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है इनसाइड द अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ। साउथ की तरफ नॉर्थ होगा, नॉर्थ की तरफ साउथ होगा। इट इज अगेन ड्यू टू द कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ द आयरन एंड निकल की जो डायरेक्शन होती है उस वजह से ये अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब देखिए इस चीज की पुष्टि एक और चीज से की जा सकती है। मैंने कहा था कि अपोजिट पोल इसमें अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि यदि हम एक साउथ पोल के पास में ये मैग्नेट है इसका जो है साउथ पोल इस साइड है और दूसरी मैग्नेट का हम यदि नॉर्थ पोल लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब हमने बात की थी कि हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं एयर के अंदर किसी थ्रेड की हेल्प से, तो बार मैग्नेट का जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। नॉर्थ हमारे हाथ की बार मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाती है क्योंकि वहां पे एक्चुअली में अर्थ का क्या प्रेजेंट है, साउथ। तो यहाँ पे जैसे ही बार को मैंने यदि इस तरीके से फ्रीली मूव करवाया तो बार मैग्नेट का ये नॉर्थ इसके साउथ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस वजह से क्या होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर हमारी बार मैग्नेट फ्रीली रह पाती है क्योंकि इसका जो नॉर्थ होगा वो एक्चुअली में अर्थ के इनसाइड में जो साउथ पोल है उसकी वजह से अट्रैक्ट होकर के ये इस टाइप से इस डायरेक्शन के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या कर पाती है, स्टैंड कर पाती है, डायरेक्ट कर पाती है। सो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आप समझ गए हैं। यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तो 10^5 जो टेस्ला है, टेस्ला जो होती है वो मैग्नेटिज्म को मेजर करने की, इन द लार्ज अमाउंट मैग्नेटिज्म है उसको मेजर करने की यूनिट होती है, और अर्थ की होती है आपके 10^5 टेस्ला। अर्थ मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड बाई द कन्वेक्शन करंट्स, जो कन्वेक्शन करंट्स की हमने बात की थी, यही कन्वेक्शन करंट इस टाइप से कि गर्म होकर के आयरन और निकल का जो मोल्टन फॉर्म है वो राइज होगा देन आफ्टर आएगा, तो ये जो कन्वेक्शन करंट होते हैं यही क्या करते हैं आपका अर्थ का मैग्नेटिक फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, मोल्टन आयरन निकल इन द अर्थ कोर। तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन इस टाइप से है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है या अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो क्रिएट होता है ड्यू टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, ड्यू टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। द राइट ऑप्शन जो है उन सभी में से आपका होगा कन्वेक्शनल करंट्स ऑफ द मोल्टन आयरन एंड निकल। मोल्टन आयरन और निकल के जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं उनकी वजह से क्या होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होता है। नेक्स्ट जो है आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड मैग्नेटिक डिप जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप ये दो टर्म्स हैं, ये टर्म्स अपने आप में एक चीज को शोकेस करती हैं, वो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो है आपका अर्थ का खुद का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की पोजीशन है उसमें वेरिएशन कितना है। ये वेरिएशन ही एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द ज्योग्राफिकल पोजीशन एंड द अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ है उसमें कितना वेरी कर रही है डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले यदि हम देखें आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन तो उसको हम किस टाइप से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है आपका, अर्थ का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का मतलब है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, इसका साउथ हो गया ये नॉर्थ हो गया, एंड इट इज नॉर्थ एंड साउथ जो कि हम ट्रू नॉर्थ और साउथ कंसीडर करते हैं। तो मैग्नेट के
नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ और साउथ के बीच का ये जो एंगल है अल्फा, इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच के एंगल को, ये हमारा कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है। अगेन आपका ये है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ दी अर्थ, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, एंड ये है मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, यानी कि वेरिएशन ऑन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेट का जो नॉर्थ है उनके बीच के अंदर वेरिएशन कितना हो रहा है, वो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है। एंड मैग्नेटिक डिप क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिप होता है किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, यानी कि ये वाला एंगल, मान लीजिए कि आपका ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से गुजर रही है आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपका, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन जो भी होगा ऑन द प्लेनेट, वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिप कहलाता है, एंड इट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपकी एज ए क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल एज आपका जो मेंस के अंदर 2 मार्क्स वाला सेक्शन होता है, एंड कंबाइंडली दे कुड बी आस्क इन द 5 मार्क्स सेक्शन। तो आपको इस टाइप से वहां पे क्या करने हैं, इंडिविजुअल डायग्राम, और ये इस टाइप से आपको डायग्राम बना करके समझाना है कि मैग्नेटिक जो है फील्ड की डिक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप होता है ये क्या होता है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये भी बताना पड़ेगा वहाँ पे कि इसके मायने क्या हैं, मीनिंग क्या है सही सेंस के अंदर, और ये ऐसा होता क्यों है। इस ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अर्थ के इनसाइड में, अर्थ जो है हमारी वो 23.5 पे क्या है, टिल्टेड है। 23.5 पे यदि टिल्टेड है तो अर्थ के कोर का भी क्या हो गया, इतना ही एंगल ऑफ जो है एक तरीके से टिल्ट हो गया, तो उस वजह से कोर के अराउंड ही मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है। तो जो हम ट्रू नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं वो आपका क्या नहीं हो पाता, अलाइन नहीं हो पाता है जो रियल आपके अर्थ के जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के साथ में। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होंगी। आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये टॉपिक जो है हम यहीं पे एक बार वाइंड अप करते हैं, एंड इसके आगे का जो सेक्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि आपके मैग्नेटिज्म पे, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे टॉपिक्स को हम जो है हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।